Hello friends, I am Ravikant, working with PNB. My friends, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ ऐसे questions जो पूछे गए हैं 2017 जून में, ठीक है, जो कि काफी important हैं और आपको ये examination pattern समझने में काफी हेल्पफुल होंगे। मैं एक बात और बता दूं मेरे दोस्त कि क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ किया जा रहा है, मतलब कि IIBF के द्वारा थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी भी बिल्कुल उसी तरह से करें ताकि जो है आप उसको वहां तक पहुंच पाए जिस लेवल क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड इक्विटी शेयर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है? आप लोगों को पता है कैपिटल मार्केट क्या होता है, जो ठीक है जहां पे से लेके आते हैं सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। इसको अगर बोले टेक्निकल टर्म में तो क्या बोले मैडम फ्रेंड्स को, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी शेयर्स, जब हम सेल परचेज करते हैं, ठीक है, ऑफ सिक्योरिटीज शेयर्स। अब समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एवरी बैंकिंग कंपनीज यूजेस द वर्ड्स बैंक, बैंकिंग और बैंकर एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेम एज प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ द डैश एक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हम ये वर्ड यूज करते हैं कि अगर एज ए स्टाफ हम लोग बोलते हैं अपने आप को बैंकर, ठीक है, और जिसके लिए काम करते हैं उसे बोलते हैं बैंक, ठीक है, पर ये कभी हम ध्यान रखते हैं कि कौन से एक्ट में लिखा हुआ है चीजें, ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी है फॉर आल्सो जेबी आल्सो फॉर ए डेली यूसेज, ठीक है। तो सही आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्या है, ये किस प्रोविजन में है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, बी आर, ठीक है, एक्ट। आंसर से क्या हो जाएगा, सी, सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स इन इंडिया आर अलाउड टू अंडरटेक ट्रेडिंग इन द फॉलोइंग, सॉरी ट्रेडिंग है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, दिस इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स यहाँ पे बिजनेस, इसको आप बिजनेस से सॉल्व कर सकते हैं कि इंडिया में जो बैंक्स को अलाउ है अंडर सेक्शन 6 फर्स्ट ऑफ बीआर एक्ट में, क्या इसके अलावा है, ठीक है, बैंक क्या कर सकती है। यहां पे कुछ चीजें आपके सामने रखा हुआ है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट है बाइंग ऑफ गुड्स, माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह पता है कि बैंक्स सामान नहीं खरीदती, ठीक है, फॉर द सेलिंग पर्पस, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस अपने यूजली खरीद सकती है, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है, सेलिंग ऑफ गुड्स वो सामान बेचती भी नहीं है। तीसरा बार्टरिंग ऑफ मोबाइल एसेट्स, बार्टरिंग मीन्स क्या होता है, मोबाइल से मतलब कि कोई ऐसा एसेट मतलब चेयर हो गया, बड़ा ऐसा सामान हो सकता है, महंगा सामान हो सकता है जिसके जिसके लिए हम कुछ किसी को दिए और किसी कुछ और ले लिए, एग्जांपल कह सकते हैं कि आप सोफा, ठीक है, तो ये काम भी बैंक नहीं करती है, लेकिन सेल ऑफ सिक्योरिटीज बैंक करती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगर इसके बारे में और आपको जानना हो, ठीक है, आप गूगल पे सर्च मार लें इसका सेक्शन 61 ऑफ बीआर एक्ट, आपको उसमें आपको लगभग 10-12 चीजें मिल जाएंगी जो बैंक सेक्शन 61 ऑफ बीआर एक्ट के अंदर कर सकती है। ओके माय फ्रेंड्स, आंसर क्या है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये तीनों बैंक को परमिशन नहीं करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which category of banks are under dual control of government and RBI? वो कौन से बैंक हैं जिसको गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों कंट्रोल करती है या दोनों उस पर अपना कंट्रोल रखती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबीज, डी है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सही आंसर माय डियर फ्रेंड्स है कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें क्या है, इसमें आरबीआई और जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स करते कंट्रोल और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता है, लेकिन रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, अमेंडमेंट कोशिश किया है कि ये चीज कि सिर्फ आरबीआई को दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन उसमें अभी नहीं है फिलहाल, अभी क्या है ड्यूअल कंट्रोल में अभी भी है। ठीक है, पर बात चल रही खत्म करने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू बॉन्ड। आप लोगों को पता है कि बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको है बताना है यहाँ पे कि बॉन्ड होता क्या है। अब बॉन्ड इसे कौन करती है, जनरली गवर्नमेंट करती है, पीएसयू कर सकती है, ठीक है, और कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी अलाउ है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये आपको बेसिकली कुछ नहीं है, इसके बारे में फीचर्स हैं फिर उसको जो अच्छे से बता सके। ठीक है, यह है क्या, इट इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग इंडेपेंडेंस। ये क्या होता है, एक तरह का एक तरह कर्जी होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ले पीएसयू ले फ्रॉम मार्केट, ठीक है, कि भाई अपना हमने बॉन्ड इशू कर दिया, उसका अभी प्राइस जिसको बोलते हैं डिस्काउंट पे दे देना, अगर 100 रुपए का बॉन्ड है 80 में 90 में बेच दिया, और बाकी जब हम ठीक है मैच्योरिटी पे लेंगे तो उसे 100 रुपए पे करेंगे। ठीक है, तो जो खरीदा उसे 10 पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक तरह क्या भी है इंडेबिटनेस। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन सच इज मैनेजमेंट ऑनरशिप एंड ट्रेडिंग आर सेग्रीगेटेड इन केस ऑफ। अब इसमें से किस में जो होता है सेग्रीगेट होता है वो मेरे फ्रेंड्स किस में होता है, डिमिटलाइज एक्सचेंज में। ठीक है, ये सारे सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस सेपरेट होता है। ठीक है, इसे मतलब ज्वाइंट नहीं होता। ठीक है, ये डिमिटलाइज कर सकते हैं या फिर ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं, ज्वाइंट समटाइम वी ऑल्सो से ज्वाइंट। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट ऑनरशिप ट्रेडिंग काम करती है, उसको क्या बोलेंगे, डिमिटलाइज एक्सचेंज। Under which of the following provisions of the law, the disclosure of customers account information is allowed? मतलब कौन-कौन से provision, ठीक है, जो law के हैं, जिसके तहत हम customer के account information बता सकते हैं, ठीक है? पहला है section 131 and 133 of Income Tax Act, मतलब कि section 131 और section 133 Income Tax का। दूसरा है सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट, तीसरा सेक्शन 233 एंड 27 ऑफ कंपनीज एक्ट, 235 और 237 ऑफ कंपनीज एक्ट, और डी है सेक्शन 41 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स बता दूं आपके, आप यहां पे इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आप यहां पे लिखा हुआ आपको आंसर देना है, विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। मैं बता दूं मेरे फ्रेंड्स, ये तीनों सही हैं, ये तीनों में आपको बैंक को दिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों लॉ के तहत, लेकिन ये आपका गलत है। सेक्शन 41 ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इसलिए है एक्सेप्ट बॉन्ड ऑल द इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपका डिस्क्लोजर को लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अ कंपनी गिव्स एन अंडरटेकिंग टू बैंक दैट सर्टेन एसेट बिलोंग टू द कंपनी एंड इट विल नॉट डिस्पोज द एसेट और क्रिएट एनी अदर चार्ज ऑन द एसेट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द बैंक, इट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे आप? ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने निगेटिव लिन पढ़ा है तो बिल्कुल इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि जो इसमें क्या होता है, नेटिव में क्या होता है कि ये ब्रोवर जो होता है एक अंडरटेकिंग देगा लिखकर कि ना ही वो अपने, ठीक है,
जो भी स्टॉक है जैसे लेना मार्क किया है उसे ना ही तो बेचेगा और ना ही उस पर कोई चार्ज क्रिएट करके किसी और बैंक से लोन लेगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेन या फिर नो लेन। आई होप कि आपको अभी ये याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम NEFT, कितना इसका मैक्सिमम भेज सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है, ना ही मिनिमम के बारे में और ना ही मैक्सिमम के बारे में, ठीक है। NEFT में नो लिमिट ऑफ मिनिमम, नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। प्रैक्टिस कुछ बैंक का है, उसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। पर रियलिटी में ऐसे कोई मैक्सिमम और मिनिमम RBI ने कुछ सेट नहीं कर रखा है, ठीक है। RTGS में है मिनिमम 2 लाख का और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई डिफाइन नहीं किया गया मैक्सिमम RTGS में भी, ठीक है। इस आंसर क्या हो जाएगा सही में, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, अकाउंट ऑफ ट्रस्ट इज ओपेंड बाय बैंक विच हैज 3 ट्रस्टी, हु शैल ऑपरेट दिस अकाउंट। अगर ट्रस्ट अकाउंट, बैंक ने अगर ट्रस्ट अकाउंट ओपन किया है उसको ऑपरेट कौन करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रस्ट अकाउंट पर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है, ट्रस्ट डीड होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अकाउंट खोलने के लिए, और ठीक है। और ट्रस्ट डीड में डिफाइन होता है कि कौन ऑपरेट करेगा अकाउंट को, ठीक है। तो इसमें बता दो आंसर क्या होगा, द ट्रस्टी हैविंग अथॉरिटी एज पर ट्रस्ट डीड, ठीक है। जो ट्रस्टी है, ठीक है, अथॉरिटी डिफाइन करता है कौन सा चलाएगा उसको, या फिर ज्वाइंट ऑपरेशन अगर दो तीन जो भी है तीनों मिलकर सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रस्ट डीड के हिसाब से या फिर ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, ठीक है। ट्रस्ट अकाउंट इसे चलेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, ठीक है। आप इसको मैक्सिमम शेयर करें और लोगों को बताएं, ठीक है।